दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी के क्वेश्चन पेपर की तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न आए हैं यहाँ पे कैसा पैटर्न है देखिए जो अभी आपने इंग्लिश का पेपर देखा होगा तो उसमें पहले पैराग्राफ आया है और फिर उसके बाद जो है कुछ कुछ एम पूछे गए पूछेगा यहाँ पे डायरेक्ट आपसे एम पूछा गया सबसे पहले हम बात करें नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पोयट्रेट ऑफ द लेडी तो खुशवंत सिंह है इसके राइटर तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा वॉट वॉज द लेंथ ऑफ वेव वॉकर तो वेव वॉकर की जो लेंथ थी वो 23 मीटर थी द पोइट्स मदर इंजॉय हर होलीडे कहां पे ऑन द बीच ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन बीच जॉन बायरो जो ए क्या था वो फार्म था तो यहाँ पे किसान हो जाएगा सही आंसर वॉट वॉज द नेम ऑफ रामा रॉज नीस तो उसका नाम था रत्ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड तो वो जहा आपका न्यूजीलैंड ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखते जाइए फटाफट रोड द प्ले मदर्स डे तो जे बी फेस्टली जो है ये राइटर है इसके ये क्वेश्चन उस वाले पेपर इससे पहले वाला पेपर देखा होगा तो उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन ठीक है ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द ग्रांड मदर यूज टू फीड द डॉग्स विद तो वो क्या करती थी स्टेट चपातीस ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब आपको यहाँ से फिलअप्स करने हैं फिलअप्स के सारे आंसर मैंने टिक कर रखे हैं देख सकते हो द सन डैस इन द ईस्ट तो राइजेस हो जाएगा इसका आंसर आई यूसी डैश इन न्यू मोबाइल फोन लास्ट वीक तो बॉट हो जाएगा इसमें बाई नहीं होगा बी डैश ओबे दैरेंट्स यहां पर हो जाएगा बी शुड शुड होगा ठीक है ए जज डैश बी न्यूट्रल तो मस्ट बी न्यूट्रल एक जज को जो है न्यूट्रल होना चाहिए जज जो होता है ना उसको न्यूट्रल होना चाहिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें कालिदास इज डैश सेक्सपियर ऑफ द इंडिया तो कालीदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालीदास को जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है यहाँ पे द आ जाएगा ऑप्शन में विल यू हैव डैश तो यहाँ पे सम टी आएगा ठीक है डैश इन्फॉर्मेशन आई हैड वाज राइट तो यहाँ पे जो है द लिटिल इन्फॉर्मेशन आएगा ठीक है पार्थ डैश सूर्या आर फ्रेंड तो पार्थ एंड आ जाएगा सूर्या ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं यहाँ देखिए ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया यहाँ पे

हारमोनियम एंड दीना तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट ठीक है उसको सारा पता था नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं कहीं पर हिंदी का पहले हो रहा है कहीं पर इंग्लिश का पहले हो रहा है कहीं पर राजनीति विज्ञान का पहले हो रहा है कहीं हिस्ट्री पहले हो रहा है कहीं फिजिक्स पहले हो रहा है कहीं केमेस्ट्री पहले हो रहा है बहुत सारे जिले हैं आपके पचास जिले बन चुके हैं आपको पता है तो इसी आधार पर जो है आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर कहीं पर कोई भी हो रहा है और उन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी डिस्ट्रिक्ट में आता ही आता है तो यह ध्यान रखना है आपको उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं सेम टू सेम पेपर भी आता है आपके ज़िले में आ सकता है यदि आप अपना क्वेश्चन पेपर हमारे को भेजना चाहते हैं सोल्यूशन के लिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए एट फाइव सिक्स एट ये नंबर रहेगा इस नंबर पे जो है पीडीएफ आप भेज सकते हैं अपने जिले का पेपर हमको भेज सकते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा ठीक है इस पे आप जो है पीडीएफ बनाकर भेज सकते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका ये यहाँ पे हो गया आपका दिंग वर्जन इज ए प्ले बाई टेरेंस रातिगन तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा बिल्कुल सही है यहाँ पे खुशवंत सिंह

उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन इन होसाली विलेज तो कन्नड़ उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं वॉट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ यहाँ पे जो है क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं आपको जो देख सकते हो आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए गए तो क्वेश्चन तो पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं आप देख लो थर्टी थ्री से थर्टी नाइन तक तो आप देख ही रहे हो आगे जाइए ये सारे के सारे अच्छा कई कई क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी होता है कई कई क्वेश्चन पेपर जो हैं अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उसमें कुछ चैप्टर्स जो नहीं हैं उसके भी प्रश्न डाल दिए गए हैं तो आपके ईयरली हो या हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम जो होते हैं नॉन बोर्ड एग्जाम जो होते हैं नाइन्थ के और एलेवंथ के इनमें मिसप्रिंट भी बहुत सारी आती है ठीक है और साथ ही साथ क्वेश्चन भी गलत छप जाते हैं तो स्कूल के टीचर जो होते हैं वो आपके करेक्शन करा देते हैं उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ठीक है तो आपको घबराना नहीं है सेक्शन सी में जो है आपको पूछा गया है आर्टिकल लिखना है आर्टिकल जो है क्लीन इंडिया मिशन पे कोरोना क्राइसिस पे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे किसी एक टॉपिक पे जो है आपको इसका आर्टिकल लिख देना है आर्टिकल राइटिंग आपको आती है नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको दिया गया है आई प्री आई ऑपरेशन कैंप जो है आपके एक कोई एनजीओ है आपके लोकेशन में लगाना चाहता है तो इसके ऊपर जो है आपको एक रिपोर्ट जो है बनानी है और रिपोर्ट जो है आप इस तरह से शुरू करके बना सकते हैं जो यहाँ पर मैंशन किया गया थोड़ा हिंट दिया गया आपको आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया वो भी देख लेते हैं इसमें और पार्ट भी दिया गया है कि आपका जो है पंजाब नेशनल बैंक में जो है रॉबरी हो गई है कल के दिन उसके ऊपर जो है एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है आपको तो आप जो है इन पॉइंटों का यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ है, पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं नेक्स्ट जो है राइट शॉर्ट स्पीच आप स्पीच लिखनी है कौन से टॉपिक्स हैं इंडिपेंडेंस डे है महात्मा गांधी जयंती है ठीक है हेल्थ इज वेल्थ है इन तीनों में से किसी एक पे लिखना है इसके बाद जो लेटर राइटिंग आई हुई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है कंप्लेन करना है इनरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन इसी में और ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको आप जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी अतरी रिक्वायर्स क्वेस्ट फैकल्टी टू टीच इंग्लिश ठीक है यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद बी एड एंड एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मैंशनड ड्राफ्ट ए एप्लीकेशन तो यहाँ पे इसको आपको जो है उस पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है जैसा मैंने बताया आप पी अपना भेजना चाहे अपने जिले का जो भी पेपर आप कर आ, दे रहे हैं तो जहाँ पर भी जो पेपर हो रहे हैं फटाफट आप जो है सोल्यूशन के लिए भेज सकते हैं एट फोर सिक्स नाइन जीरो डबल टू फाइव सिक्स एट पर यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है इस वह आप व्हाट्सअप कर सकते हैं एट फोर सिक्स नाइन जीरो डबल टू फाइव सिक्स एट पर अपना क्वेश्चन पेपर हमें भेज सकते हैं चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के सोल्यूशन आपको दे दिए जाएंगे जितना प्रयास रहेगा फटा फटाफट आपको दिए जा रहे हैं थैंक यू वेरी मच हैवे गुड डे